हेलो 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 गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। मैं बॉट द बदमाश सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूँ बॉट सर्वाइवल सीरीज 1.20 बन के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। और वाकई में आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी नहीं। तो इन दिनों मैं अपना टाइम काट रहा हूँ एंड वर्ल्ड में। मैं कलेक्ट करने आया था काफ़ी सारे ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद मैंने काफ़ी सारे एंडरमैन के साथ धोखा ठाकी करी और एक्सपी और एंडर पर्ल्स कलेक्ट करी। और ये सब करने के बाद मैं वापस आ गया अपने ओवर वर्ल्ड में। और गाइज, अगर आपको पता हो तो मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्राइडेंट फार्म का ट्यूटोरियल दिया था, और वो फार्म इतना ज़्यादा एपिसेंट है, इतना ज़बरदस्त है कि मेरा मन कर गया उसको अपने वर्ल्ड में बनाने का। वैसे ऑलरेडी मेरे वर्ल्ड में एक ट्राइडेंट फार्म है, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई एक और वैंकर सा ट्राइडेंट फार्म बनाएगा। इसलिए गाइज मैं आ गया अपने इस स्पीड, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जलपरी फार्म पर, क्योंकि मेरे को चाहिए थे इधर काफ़ी सारे ब्लॉक्स बनाने के लिए, ये क्रिस्टल्स। तो मैंने ये सभी कलेक्ट किए AFK कर कर। उसके बाद गाइज मैंने अपने मटेरियल को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और अपने सभी आइटम्स को कलेक्ट करने के बाद हम निकल पड़े अपने ट्राइडेंट फार्म को बनाने के लिए। और गाइज मैंने सोचा क्यों ना अपने इस ट्राइडेंट फार्म को अपने इस जलपरी फार्म के पास ही बनाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी दूर ओशियन के अंदर अकेला फार्म था। तो मैंने सोचा इसका एक भैया और बना दूँ। तो गाइज मैं इस घंटों के काम को मिनटों में निपटा कर जल्दी से इस ट्राइडेंट फार्म को कम्प्लीट करता हूँ और फिर अपने इस बॉट सर्वाइवल वर्ल्ड में एक और न्यू फार्म ऐड हो जाएगा। और वैसे तो अपना ये ट्राइडेंट फार्म काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस यूं ही दो तीन ब्लॉक इधर लगाए, दो तीन ब्लॉक उधर लगाए और अपना फार्म बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लग गया गाइज इस फार्म को बनाने के लिए इन प्रिजमीन के ब्लॉक्स को कलेक्ट करने में, क्योंकि गाइज इनके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए AFK करना पड़ा। मैंने गाइज लगातार दो तीन दिन AFK कर कर अपने जलपरी फार्म से क्रिस्टल कलेक्ट किए और ये प्रिजमीन के ब्लॉक्स बनाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि फार्म बनाते टाइम ये ख़त्म हो जाते थे, तो फिर से AFK करना पड़ता था। वैसे गाइज मैं इस फार्म का ऑलरेडी ट्यूटोरियल दे चुका हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि इस फार्म को बनाते टाइम मैं वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, लेकिन फिर कुछ बंदे बोलते, भाई तूने तो इसको बनाया ही नहीं है, खा जा मम्मी की कसम तूने इसको कॉपी पेस्ट मारा है। इसलिए गाइज प्रूफ के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और एलेक्स की मम्मी की कसम गाइज मैंने दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत कर कर इस फार्म को स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और इस बात के लिए गाइज अगर आप चाहो तो सरकार से रिक्वेस्ट कर कर मुझे इनाम दिला सकते हो। बस आपको सरकार से ये बोलना है कि बॉट ने बदमाशी छोड़ दी और बॉट अभी समाज सेवा में लग चुका है। और सरकार से भी बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी नहीं। तो गाइज बड़े दिनों के बाद उन बचनों को याद चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है। और इसी बात पर गाइज अपना फार्म बनकर बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। यही है गाइज अपना चमचमाता ट्राइडेंट फार्म जो कि मैंने ओशियन के ऊपर आसमान के नीचे बनाया है। और बेसिकली इस फार्म के पीछे साइंस ये है कि इस फार्म के अंदर बिना किसी प्रोसेस के ड्राउन पैदा होते हैं और वो ट्राइडेंट किलर के अंदर मरकर ट्राइडेंट देते हैं। बस इतना सा ही इस फार्म का सिस्टम है। अगर गाइस आपको ये फार्म पसंद आया हो, अगर आपको ये बनाना हो, तो इसका ट्यूटोरियल जैसे चैनल पर है।
तो चलो गाइज अभी करते हैं अपने इस एपिसोड की शुरुआत, और मैं आपको मिलाना चाहूँगा बेहद ही खास मेहमान से। गाइज आप इस बंदे से मिल सकते हो, ये है मेरी फूफी का लौंडा टिल्लू द बदमाश। ये कल ही मेरे पास हरियाणा से आया है, इसको रेलवे के फार्म भरने हैं। और ये है गाइज अपना दूसरा मित्र खुजली, ये भी गाइज कल ही आया है दिल्ली से, ये मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। और ये है गाइज खुजली का दोस्त रंगीला, वैसे अभी इनको मैंने नाम तो दिए नहीं लेकिन इनके नाम यही होंगे। और गाइज अगर आप सोच रहे हो कि ये क्रीपर फट क्यों नहीं रहे, तो मैं आपको बता दूँ ये है मेरे पालतू क्रीपर। जिन लोगों ने बॉट सर्वाइवल सीरीज के पुराने एपिसोड देखे होंगे उनको पता होगा कि अपने पास एक चमत्कारी मशीन है जिसके अंदर से हम क्रीपर को टेम कर सकते हैं, और यही है अपनी वो चमत्कारी मशीन। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये अभी भी वर्क करती है, तो इसीलिए मैंने क्रीपर टेम कर लिए। और इसके बाद गाइज मैं आपको मिलाना चाहूँगा अपने बचपन के लंगोटिया यार राघव से। ये गाइज पहले अफ्रीका के जंगलों में रहता था, कल ही इसको मैं पकड़ कर लाया हूँ क्योंकि इसकी काफ़ी शिकायत आ रही थी कि ये जंगल में लोमड़ियों को छेड़ता है, इसलिए गाइज मैं इसको पकड़ कर ले आया। और इसको पकड़ने के बाद मेरे पास जो प्राचीन टीपू सुल्तान की तलवार और उसके आर्मर थे, मैंने वो इसको पहना दिए। और इसको मैंने कैसे पकड़ा और इसको ये तलवार आर्मर कैसे दिए, इसके पीछे एक खास तरकीब है, मैं आपको वो तरकीब दिखाना चाहूँगा। देख रहे हो गाइज अपना गेम कितना लैग हो रहा है, अभी ना मेरे वर्ल्ड का साइज कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे ना इसको कम करना पड़ेगा। अभी ना गेम मतलब कभी कभी अटक जाता है और क्रैश भी हो जाता है। चलो इस समस्या का भी समाधान करेंगे, पहले एक जंबी को टेम कर लेते हैं। टेम करने के लिए मेरे को एक तलवार चाहिए, तो तलवार तो अपने पास काफ़ी है, और मेरे को चाहिए आर्मर। और गाइज मैं आपको बताऊं, मैंने पहले ही एक गोल्ड आर्मर के ऊपर ट्रिम वगैरह लगाकर इनको सेट करके रख रखा है, लेकिन मैं अपने जॉम्बी को पहनाऊंगा डायमंड आर्मर, क्योंकि डायमंड आर्मर की अपने पास कमी नहीं। हम 3-4 एमरेल्ड में कंप्लीट डायमंड का आर्मर ब्लेजर से ट्रेड कर सकते हैं। और इस आर्मर के ऊपर लगाना चाहूँगा मैं ट्रिम। नहीं गईज यार, ट्रिम बहुत महंगे पड़ते हैं यार, डायमंड आर्मर को हम छोड़ते हैं, अपने पास ऑलरेडी ट्रिम लगा हुआ एक गोल्ड आर्मर है, तो हम इसी से काम चला लेंगे। वैसे भी ये भी काफ़ी मस्त रहेगा, डायमंड थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है लेकिन गोल्ड भी चल जाएगा। तो अभी हम गोल्ड से काम चला लेंगे, बस हमको एक डिस्पेंसर और चाहिए क्योंकि बिना डिस्पेंसर के तो हम काम कर ही नहीं सकते। साथ ही चाहिए हमको एक बटन और एक बोट भी ले लेते हैं, साथ ही कुछ फैंस, वरना जॉम्बी अपने पीछे भागता ही रहेगा, उसको हमको पकड़ कर रखना होगा। और हाँ गाइज मैं आपको कुछ और लोगों से मिलाना चाहूँगा। देखो गाइज ये हैं अमेजोन के जंगल के बदमाश और इनको मैंने पकड़ लिया है। गाइज आपने टीवी में न्यूज़ सुनी होगी कि अमेजोन में दिन रात बदमाशी हो रही है, ये वही बदमाश। अरे फट गया यार ये तो भाई, ये तो फट गया और इसने तो ज़मीन भी फाड़ दी अपनी यार। गाइज चलो कोई बात नहीं, अपने पास काफ़ी सारे चार्ज क्रीपर हैं, हम और पकड़ लेंगे। वैसे इन सभी क्रीपर्स को मैं टेम करूंगा, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिर एक ही जगह पर काफ़ी सारे मॉब्स हो जाएंगे, तो अपना गेम कुछ ज़्यादा ही लैग होने लगेगा। इसलिए गाइज हम जो ये, ओ गाइज क्या बिजली कड़की है यार, लेकिन एक मिनट बारिश तो हो नहीं रही है, बिजली आखिर कड़की तो कड़की कैसे, बारिश तो बंद हो। अरे गाइज इधर यार टप टप टपका पानी, लेकिन अभी इधर बीत गई जवानी, ये क्या हो रहा है गाइज माइनक्राफ्ट के अंदर। उरी मोरी मैया, यहाँ पर नो बारिश लेकिन इसके आगे बारिश, देख रहे हो गाइज माइनक्राफ्ट का कमाल, इधर नो पानी आगे बीत रही है जवानी। चलो गाइज इसको छोड़ो, अभी अपने मेन काम पर फोकस करते हैं। वैसे ठीक ही है इधर बारिश नहीं हो रही, वरना इधर भी बिजली कड़कती और मेरे जॉम्बी की मैया बहन एक कर देती। चलो गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से जॉम्बी को अपने बस में कर लिया। मैंने सबसे पहले तो बनाया उसके लिए एक पिंजरा, फिर पिंजरे के साइड में मैंने खड़ा कर दिया एक डिस्पेंसर, और इधर ही अपने डिस्पेंसर को चिपका देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं ये टीपू सुल्तान के आर्मर और तलवार को, और इसके ऊपर बस हमको एक बटन लगाना है। ये आर्मर और तलवार जो है वो टीपू सुल्तान की सेना में जो सेनापति था उसी के हैं, मैंने इनको म्यूजियम से चुराया है, लेकिन आप किसी को बताना मत वरना मेरे को पुलिस उठा कर ले जाएगी।
ठीक है गाइज, आप लोग बस मेरा इतना काम कर देना और मैं आपको दिखाऊंगा कि जॉम्बी कैसे पकड़ते हैं। बस मेरे को जॉम्बी मिल जाए, लेकिन मेरे को मिला ये फटियल। इधर गाइज कोई जॉम्बी है? अरे है गाइज, सामने एक जॉम्बी है। इस भैये को बुलाते हैं, ले चलते हैं इसको चुपचाप बहका कर ले चलते हैं अपने पास। आजा आजा बाबू आजा, तुझे आइसक्रीम खिला कर लाऊंगा। आजा आजा, अरे दो दो आ रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दो दो को आइसक्रीम खिलाऊं। कोई एक आ जाओ और एक निकल लो। चलो गाइज, मैं इसको आइसक्रीम के बहाने ले तो आया। अभी बस इसको इस पिंजरे के अंदर डालना है और ये ठीक ठाक से बस इसके अंदर घुस। अरे भाई किधर से आ रहा है भाई? इधर से। हेलो मिस्टर, हेलो, इधर से घूम कर आओ, इसके अंदर से आ जाओ। अरे भाई ये भाई चालाक है यार, इधर से आ ही नहीं रहा। इधर इधर, हेलो मिस्टर, इधर आओ। हाँ, और ये लो, अभी अपनी बोटी प्लेस नहीं हुई, इसकी माँ को नमन। अभी इसको फिर से लाना पड़ेगा। आ जाओ इधर। हाँ आ जाओ। अरे भाई बोट में क्या हो गया गाइज? भाई ये प्लेस नहीं हो रही गाइज बोट। इधर गाइज काला जादू करेगा शायद कोई ऊपर से ये, और जिद करने लगा आइसक्रीम की। एक तो पता नहीं गाइज ये दिमाग कहाँ से लगा रहा है, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर। भाई इसके साथ ना मेरे साथ फिर कंप्लीट ना हो जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हो गई प्लेस गाइज, हो गई हो गई। आ गया आ गया आ गया। हाँ बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी नहीं। देखो गाइज किस तरीके से, कितनी आसानी से मैंने इस जॉम्बी को पकड़ लिया। बेचारे को मैं आइसक्रीम का बहाना बना कर ले आया, और अभी इसको मैं आइसक्रीम तो खैर देने से रहा, लेकिन इसके पटाखे ज़रूर बजाऊंगा। यार यार ये मेरे को ही उल्टा मार रहा है। चलो छोड़ो ये बालक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। बस अभी मैं इसको थोड़े से आर्मर और पहना दूँ, और उसके बाद रेडी हो जाएगा अपना जॉम्बी। सबसे पहले तो इसको बोट से उतारते हैं। बेचारे के साथ धोखा कर दिया मैंने, आइसक्रीम तो मिली नहीं इसको, लेकिन मैं इसको कुछ ना कुछ तो दूंगा। इसको ना टीपू सुल्तान के आर्मर और तलवार दे देता हूँ, ये भी खुश हो जाएगा। ये पहना दिए मैंने इसको कच्चे बलियान, और इसको ये टोपी भी पहना दी। बस इसको तलवार और देनी है, और इसकी तलवार भी आ गई। अभी गाइज रेडी हो गया अपना टेम जॉम्बी। मतलब टेम तो है नहीं, लेकिन गाइज इसको मैंने आर्मर वगैरह देकर सेट कर दिया। अभी गाइज इसको ना शादी में ले जाऊंगा कल। अरे गाइज इन सब के बीच में ना मैं एक चीज़ लाना भूल गया, और मुझे उम्मीद है कि मेरी एंडर चेस्ट के अंदर शायद वो मिल जाए, वरना अपना जॉम्बी डिस्पॉन हो जाएगा। गाइज यार मैं ना नेम टैग लाना भूल गया, लेकिन मैं ना नेम टैग हमेशा है गाइज है अपने सल्कर बॉक्स के अंदर है। ये गाइज एंडर चेस्ट इतनी कमाल की है कि मैं हर एक ज़रूरी आइटम इसके अंदर रखता हूँ, वरना गाइज अगर इसके अंदर नेम टैग नहीं होता तो अपना ये जॉम्बी भी डिस्पॉन हो जाता, और इसके साथ अपनी ये तलवार और आर्मर भी डिस्पॉन हो जाते। और अगर आप सोच रहे हो गाइज कि ये डिस्पॉन नहीं होता क्योंकि इसको हमने आर्मर पहना दिए, तो गाइज ऐसा नहीं है, ये डिस्पॉन हो जाता क्योंकि इसने आर्मर खुद पिकअप कर कर नहीं पहने, इसको हमने ज़बरदस्ती पहनाई है। तो देख लो गाइज, इसी तरीके से मैंने जॉम्बी को पकड़ा था और आर्मर पहनाए थे, और पिगलिन तो अपना नेदर पोर्टल के अंदर से निकल आया था तो उसको भी आर्मर पहना दिए। बाकी गाइज क्रीपर को तो मैंने टेम किया था मशीन से, और इसी तरीके से मैंने इन सभी मॉब्स को पकड़ लिया। तो बॉट द बदमाश की गैंग में अब कुछ और न्यू मेंबर आ चुके हैं, लेकिन बॉट ने बदमाशी छोड़ दी, तो मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी नहीं। ठीक है क्या? बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं बिल्कुल भी। और एक बार मैं अपने राघव से भी कह दूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है। हेलो हेलो सुन मित्र, सुन, बदमाशी नहीं बिल्कुल भी। सुन मित्र, बदमाशी नहीं, बदमाशी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है तो गाइज चलो ठीक है, लाइक कर दो, और बदमाशी नहीं मित्र।